नमस्कार दर्शकों, मैं अमिता। मेरे YouTube चैनल अमितास किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पंजाबी छोले की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी और यमी बनते हैं। तो चलिए हम उनको बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो फटाफट कर डालिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे वीडियो डालते ही। तो चलिए अब हम पंजाबी छोले की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, छोले बनाने के लिए मैंने 1/2 kg छोले रात में सोख करके रख दिए थे। ओवरनाइट सोख किया है मैंने इन छोलों को। अब इनको हमें उबलने रख देंगे प्रेशर कुकर में। हम इसमें बस कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पूरा सोख किया है, रात भर रखे हैं भिगो के। तो इसमें बस 1/4 teaspoon सॉल्ट डालेंगे और बेकिंग सोडा वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। चलिए इसको हम बॉईल कर लेते हैं। मैंने छोलों को बॉईल होने रख दिया है। मैं इसको 2 whistle अच्छे से पूरे से दिलवाऊंगी, उसके बाद 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दूंगी। हमें छोले बहुत अच्छे से पकाने हैं, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। अगर हमारे चने गल गए होंगे तब हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 अच्छे से whistle दिलवा के और उसके बाद 10 से 12 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ हमारे चने उबले हैं कि नहीं। कुछ नहीं, आपको चने को दबा के देखना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारे चने बॉईल हो गए हैं। अब इस टाइम पे चलिए, अब हमारा चने तो बॉईल हो गए, अब हमें बनाना है इसका तड़का। चलिए अब हम चने बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पंजाबी छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ये लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे और इसमें मैंने उबालते समय आपको पहले ही बताया कि मैंने कुछ नहीं, केवल 1/4 teaspoon सॉल्ट डाला था, बाकी कुछ भी नहीं डाला था। और बाकी आपको अभी मैं पंजाबी छोले बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं पिंडी छोले बनाना भी बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या लेना है, इसमें मैं बना रही हूँ देखिए देसी घी में। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। अराउंड 2 tablespoon मैं लूँगी देसी घी में। इसके बाद मैं डालूंगी अराउंड 1 छोटा प्याज। प्याज टोटली ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसमें पूरी रेसिपी सेम रखिएगा, बाकी आप अचार ये प्याज ना डालिएगा। चलिए अब हम इस पर प्याज को भून लेते हैं। हमने प्याज को पहले 1 minute के लिए भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा, जैसे ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा हम और भून लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। ये अब हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, 1 हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आप कितना तीखा पसंद करें। मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, अब इसको डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको प्याज के साथ इन मिर्चों को भी भून लेंगे। देखिए मेरे प्याज देखिए लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए, आप ये देख रहे होंगे। इस टाइम पे फ्लेम स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 teaspoon अजवाइन, ठीक है, ये अजवाइन डालेंगे। इसको हल्का सा हिला लेंगे। देखिए प्याज हमने बस इतने अच्छे ब्राउन करने हैं जिससे छोलों का कलर आएगा। इसके बाद मैंने डालना है बेसन, अराउंड 1 tablespoon हम इसमें डाल देंगे बेसन। और ये बेसन को अच्छे से घी में 1 मिनट के लिए, जब स्मेल आ जाए भुनने की, तब तक हमने इसको बेसन को भूनना है। देखिए इसमें कई लोग होता है कि चाय की पत्ती डालते हैं, मैं तो लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, इसका अपने आप ही कलर आ जाता है। तो इस वाले छोलों में मैं चाय की पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप देखिएगा छोले का कलर अपने आप ही अच्छा आ जाएगा। बस आपको प्याज अच्छे से भूनने हैं, ये जो बेसन मैं भून रही हूँ ये अच्छे से भूनना है, इसको कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। और मसाले अच्छे से भूनने, जो मैं आपको हमेशा ही हर वीडियो में बताती हूँ कि जब तक मसाले अच्छे नहीं भुनेंगे, सब्जी का कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, रसे वाली सूखी किसी भी चीज़ का, फिर कलर नहीं आता है। तो ये भुनना बहुत ज़रूरी होता है, प्याज भी और मसाला भी। हम इसको स्लो फ्लेम पे भून रहे हैं, अराउंड 1 मिनट तो बेसन को भुनने में। अब देखिए इसका लाइट हल्का सा पिंक होने लग गया बेसन, इसको बस हम 30 सेकेंड और भून लेते हैं। और कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिएगा, इसको हिलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। ये देखिए हमारा, ये देखिए बिल्कुल हो गया है, हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 spoon भर के सूखा, 1 से 1.5 spoon धनिया डल जाएगा इसमें, सूखा धनिया डालेंगे इसमें।
साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये देखिए मसालों को साथ साथ भूनते जाना है। उसके बाद मैं डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। इसको हम हिला लेंगे अच्छे से। मसालों को भूनना है अच्छे से, हर मसाला घी में अच्छे से भून जाए। और नमक देखिए हमने उबालते समय डाला था, अभी हम नमक नहीं डालेंगे, अभी नमक हम बाद में डालेंगे। और इस टाइम पे हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बस ये सब आपको स्लो फ्लेम पे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब इस टाइम पे हमने डालना है ये अदरक। आप कहेंगे मैं अदरक इस टाइम क्यों डाली, क्योंकि ये कच्चा अदरक है, फ्रेश अदरक आ रहा है आजकल, नहीं तो आप ऐसे भी इस टाइम डालिए। अभी तो हमने छोले पकाने हैं, थोड़ा सा अदरक डाला है, बाकी अदरक मैं इसको बाद में यूज करूंगी, बाद में डालूंगी। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, इस टाइम पे ये जो बॉइल छोले थे धीरे धीरे हम इसमें डाल देंगे, सारे छोले हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने सारे छोले डाल दिए, अब हम इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे, अभी स्लो फ्लेम पे रहने देंगे गैस को। पहले हम मसाला अच्छे से कि छोलों के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए ये हमने इतना ये मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे। और हम देखिए इसमें पानी कम लग रहा है, तो अब 1 कप भर के मैं पानी भी डालूंगी इसमें। देखिए मैंने इसमें 1 कप डाल दिया है पानी, पर वो मुझे लग रहा है कि मुझे और पानी डालना चाहिए, क्योंकि इसको रसाना है छोलों को, तो मैं अभी 1/2 कप और डाल रही हूँ। मैंने 1.5 कप पानी डाला है। ये देखिए अब हमें इन छोलों को एक अच्छे से 1 से 2 उबाले आ जाएं अच्छे से हाई फ्लेम पे, उसके बाद हम सिम करके इसको रख देंगे। छोले हमारे अच्छे से गले में, उसको थिक करने के लिए मैं बेसन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो बस अब हमने इसको रसाना है। बाकी के अभी काफ़ी स्पाइसेस बचे हुए हैं जो हम डालेंगे बाद में, पहले हम छोलों को अच्छे से रसा लेंगे। तो चलिए 2 बॉयल अच्छे से उबाले आ जाएं, उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारे छोलों में उबाला आ गया है, कितने अच्छे से उबाला आ गया है। अब इस टाइम पर हम छोलों को इस तरीके से देखिए 1 मिनट के लिए ज़्यादा नहीं, यूँ दबा दबा के हल्का सा कि छोले रस जाए। ये देखिए इस तरीके से छोलों को 1 मिनट के लिए बस इस तरीके से कर लीजिएगा छोलों को। ये देखिए क्योंकि हमें बिल्कुल रसाने हैं मसाले में, पंजाबी छोलों का मज़ा ही तब है जब ये मसाला रस ग्रेवी छोले सब आपस में मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए और इसके बाद हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख के रसने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने कर दिया। ये देखिए अच्छे से इस तरीके से करते रहिएगा, ये इस तरीके से 1 मिनट के लिए, और उसके बाद 12 मिनट के लिए आप स्लो फ्लेम पे करके इसको छोड़ दीजिए। फिर हम 12 मिनट बाद देखते हैं कि छोले हमारे कितने रस गए हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे चनों को 12 से 13 मिनट हो गए हैं, इस समय चने हमारे रस गए काफ़ी हद तक अभी, पर पूरे नहीं हुए, अभी इनको और रसाना है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत ज़ीरा, क्योंकि साबुत ज़ीरा मैंने यूज़ नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा मैंने अजवाइन यूज़ करी थी। अब ये डाल के हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए अब लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसका देखिएगा कलर, जैसे ही आप जितना रखेंगे इतना उसका कलर अच्छा सा आता जाएगा। और इसके बाद हमने इसमें डालना है, आपके पास पिसा हुआ अनारदाना है तो वो एक देखिए डाल देंगे, 1 टीस्पून या अमचूर पाउडर या चाट मसाला आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो डाल दीजिएगा। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, उबलते हुए भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना, अब तो उसका फ्लेवर अंदर तक रस जाता है चनों में, ऊपर से गार्निशिंग के लिए तो डालेंगे ही डालेंगे हम। ये देखिए इसको हमने रसाना है, अब हमारा बचा है थोड़ा सा, देखिए डालना, मैंने देखा होगा आपने खड़े गरम मसाले मैंने इस छोले में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो गरम मसाला घर पे ही पीसती हूँ तो उसका अपना अलग ही फ्लेवर होता है। मैं देखिए 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला,
ये मैं इसमें डाल दूंगी। फाइनली देखिए हमारे सारे मसाले डल गए। अब एक चीज बची है, आपको याद आया कि नहीं आया, मैंने नमक डाला था 1/4 टीस्पून केवल बॉयल होते समय। देखिए उतना तो इन छोलों में पूरा नहीं होगा, तो हमने इसमें इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून ही डालेंगे, क्योंकि देखिए नमक सॉल्ट टू टेस्ट होता है हर बंदे के हिसाब से, हम ऑलरेडी भी डाल चुके हैं। तो नमक इतना डालिए, उसके बाद आपको कम लग रहा है तो आप बाद में ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब हमने करना है इसको अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे से उबाला आ जाए, उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे करके कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसमें उबाला आ गया है, तो मैं इसको अब कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बाकी देखिए छोलों को आपने कितना गाढ़ा बनाना है, थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है, वो आपके ऊपर है, आप जितना चाहते हैं। अब इसके 5 मिनट के बाद हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो गए। अगर आपको लग रहा है और पड़े पड़े भी थोड़े से छोले गाढ़े हो जाते हैं तो आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं और एक उबाला दिला लीजिएगा। आपको जैसे पर छोले तो भटूरे के साथ तो लिपटे लिपटे या कुलचे के साथ लिपटे लिपटे अच्छे लगते हैं, अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल लीजिएगा आप बाकी, और सॉल्ट वगैरह आप देख लीजिएगा। वैसे जनरली पता है हम इसको, इसकी शक्ल देख के आपको कुछ याद आ रहा है, हम पंजाबी में इसको कई बार किच्चर छोले भी बोलते हैं पंजाब में, तो ये चलिए पंजाबी छोले किच्चर छोले जो भी है बनते बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए बस 5 मिनट बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट रसने दीजिएगा, फिर हम देखते हैं हमारे छोले बिल्कुल तैयार होंगे खाने के लिए बिल्कुल। देखिए 5 मिनट हो गए रखे हुए इसको, 5 से 10 मिनट, ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रस गए अच्छे से। अब हम गैस बंद करके इसको ढक के एज इट इज छोड़ देंगे और चलिए 10 से 15 मिनट बाद। वैसे तो देखिए जनरली जब कोई आ रहा होता है या घर में आप बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक घंटा तो पहले बना के रख ही दीजिए छोले, क्योंकि छोले जितने रसे हुए होते हैं उतने ही टेस्टी होते हैं। अगर रात का डिनर है तो आप दोपहर में बना दीजिए, दोपहर में आप कोई आप खाना है तो आप कोशिश करिए 11-12 बजे तक बना लीजिए छोलों को, तो जितने पड़े रहेंगे छोले उतने ही रस जाएंगे और उतने ही टेस्टी हो जाएंगे। तो चलिए हमारे छोले मैंने आपको जैसे दिखाया बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, है ना। चलिए हम इनको इसके बाद सर्व कर देते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से, ये देखिए रस गए अंदर तक छोले हमारे। अब अभी हम इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद चलिए आपको हम सर्व कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरे पंजाबी छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जिसको मैंने गार्निशिंग के लिए जिंजर जूलियंस यूज़ किए हैं ग्रीन चिलीज और हरा धनिए से। देखिए आप कितने टेम्पटिंग, कितने यमी लग रहे हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपके कैसे बने। अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।